अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है उसको। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और जो फ्यूचर इंडेफिनेट है ना, उसके नेगेटिव कैसे बनाने हैं वो बताया था आपको। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों इंडेफिनेट के आप लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनाओगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें आप किसी से जो क्वेश्चन पूछते हो ना, किसी से सवाल पूछते हो आप कि क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम ये काम करोगी, क्या तुम मेरे घर आओगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो ना उसको आप कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमले। तो सवालिया आज प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। इसके बनाने का मेथड क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर इसमें यह है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यानी कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन से हैं, डू और डज, और यही हेल्पिंग वर्ब आपके जो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज हुए थे ना वही हेल्पिंग वर्ब आप इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज करोगे। तो इसके हेल्पिंग वर्ब वही सेम आपके हो गए, डू और डज, ये दो आपके हेल्पिंग वर्ब है। इसको बनाने का मेथड ये होता है, तीनों में आपने मेथड कौन सा यूज करना है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना, सबसे पहले आप वो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो आपको पहले ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंसेस में मैं बता चुकी हूँ कि डू कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाओगे आप लोग और डज जो है वो कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाओगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद प्लस वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इसके बनाने का मेथड है। यानी कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, जो भी लगेगा सब्जेक्ट, आप देख लोगे कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना वो क्या है। जब आप सब्जेक्ट को देखोगे ना, उसके लिहाज से डू या डज जो भी लगना हो, सबसे पहले आप वो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट राइट करोगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, जो उसने काम किया गया हो वो वर्ब राइट करोगे, और सबसे लास्ट में जो वह ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट राइट करना है आपने। तो ये इसके बनाने का मेथड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है ना वो वाले, तो इसका फर्स्ट आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है यहाँ पे, क्या वो देर से आते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान जो है वो ये है कि इसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होगा। उर्दू के सेंटेंसेस आपके जहाँ पे राइट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जितने भी उर्दू में सेंटेंसेस आएंगे ना, उसके जिस सेंटेंसेस के लास्ट में यह क्वेश्चन मार्क लगा हो ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कौन से हैं आपके इंटरोगेटिव। और इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो लगाओगे, उसके बाद आगे जाओगे। सबसे पहले आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगाना लाजमी है। एक तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाओगे, जब उसको ट्रांसलेट कर लोगे ना, तो लास्ट में आपने जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद। अगर आप क्वेश्चन मार्क, जिस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगाना लाजमी था ना, अगर आप नॉट नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते लास्ट में, तो उससे आपका जो सेंटेंस है ना वो रॉन्ग हो जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या वो देर से आते हैं, अब क्या वो देर से आते हैं मतलब यहाँ से एक से ज़्यादा लोग हैं, तो जब एक से ज़्यादा लोगों के लिए वो का वर्ड यूज़ हो तो हम कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, दे। तो दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना था, डू। ही शी इट या सिंगल नेम के साथ डज, और आई वी यू दे, और जो प्लूरल नेम होंगे उसके साथ आप डू लगाओगे। तो दे के साथ सबसे पहले डू हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, डू, उसके बाद सब्जेक्ट। डू दे आना की इंग्लिश होती है कम, और देर से आना की इंग्लिश होती है लेट, देर से। डू दे कम लेट, इस तरह ये ट्रांसलेट करके आपने लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क लगा देना इसके, तो ये आपकी ट्रांसलेशन हो जानी है। सेकंड में क्या तुम्हारे अबू चमड़े का कारोबार करते हैं, तो इसमें क्या तुम्हारे अबू, यहाँ पे एक लड़के का जिक्र, एक पर्सन का जिक्र है, तो इसके साथ क्या लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब डज, यानी कि आपको बताया था कि सिंगल नेम, अगर सिंगल के बारे में इशारा हो या सिंगल इंसान के बारे में अगर जिक्र किया जाए, तो उसके साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, डज का।
तो यहाँ पे does your father, तुम्हारे अबू, इसमें आपका सब्जेक्ट है, does your father कारोबार करना, डील कहते हैं उसको, और चमड़े इन लेदर, does your father deal in leather, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन है, क्या आप 290 मेहरान ब्लॉक में रहते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो, सब्जेक्ट था यू का, तो यू के लिए कौन सा आपका वो था हेल्पिंग वर्ब, डू, तो डू यू रहना की इंग्लिश क्या होती है, लीव, डू यू लीव, क्या आप रहते हो, और उसके बाद जो इंग्लिश में उर्दू में लिखा था 290 मेहरान ब्लॉक, वही आपने आगे एट 290 मेहरान ब्लॉक वो राइट कर दोगे, और ये मेहरान ब्लॉक इसमें जब आप कोई स्पेसिफिक जगह का नेम राइट करते हो ना, तो उसके जो फर्स्ट वर्ड होते हैं वो आपने हमेशा कैपिटल में राइट करोगे आप लोग, यानी कि आपके जो प्रॉपर नाउन किसमें, जब कोई खास जो जगह का नेम आपको बताया जाए ना, तो वो जब भी आपका आएगा तो उसके आप जो फर्स्ट वाला लेटर है ना वो कैपिटल, जैसे मेहरान का एम वो कैपिटल में और ब्लॉक का भी कैपिटल में। तो फोर्थ वन है आपका, क्या मैं देर तक जागता हूँ, डू आई स्टे अप लेट, क्या मैं, अब यहाँ पे मैं अपने लिए आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब डू लगाना था, उसके बाद आई, मैं आपका सब्जेक्ट है, तो आई आप जहाँ पे भी लगाओगे ना वो हमेशा आप कैपिटल में लगाओगे, आई आपका पहले स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, सेंटेंस के मिड में आ जाए, कहीं पे मर्जी भी आई का वर्ड आ जाए ना, तो वो आई जो है वो आप हमेशा कैपिटल लेटर में राइट करोगे, उसको स्मॉल लेटर में राइट नहीं करना आपने। डू आई स्टे अप, जागना, वैसे जागना की इंग्लिश होती है वेकअप, लेकिन वो वेकअप जो है जब आप सो के उठते हो ना तब जागते हो, तब आप वेकअप उसको कहते हो, लेकिन आप सोने से पहले जो जागना होता है ना कि जब आप जागते रहे, इसका मतलब यह है कि आप सोए नहीं हो अभी तक, तो उससे पहले जो इंग्लिश आप जागना के लिए यूज़ करते हो वो है स्टे अप, डू आई स्टे अप लेट, देर तक लेट। फिफ्थ है आपका, क्या वो खाम खा नाराज होता है, क्या वो खाम खा नाराज होता है, इसका मतलब है लड़का है, तो लड़का ही यूज होगा, ही सब्जेक्ट के साथ डज लगना था, डज ही गेट एंग्री, नाराज होना की इंग्लिश है गेट एंग्री, और खाम खा के लिए फॉर नथिंग, किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो नाराज होता है, तो खाम खा के लिए फॉर नथिंग, किसी चीज़ के लिए नहीं, डज ही गेट एंग्री फॉर नथिंग, तो ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, ये आपके हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस इंटरोगेटिव के। नेक्स्ट आपके पास है पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब था, डिड, ये डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जो जितने भी आपके सब्जेक्ट आएंगे ना सबके साथ डिड लगेगा, डिड के अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है आपका इसका पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट के जो भी सेंटेंसेज आपके इंटरोगेटिव में आ जाए ना या नेगेटिव में आ जाए तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा डिड लगाओगे। तो इसका फर्स्ट है आपका, इसका भी मेथड वही है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस है, क्या दादी अम्मा ने कहानी सुनाई, डिड दी ग्रैंड, इसमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगेगा और सबके साथ डिड लगेगा, डिड दादी अम्मा सब्जेक्ट था, डिड दी ग्रैंड मदर सुनाना की टेल कहानी की इंग्लिश स्टोरी, डिड दी ग्रैंड मदर टेल अ स्टोरी। नेक्स्ट है आपका, क्या आपने हमारा इंतजार किया, तो आपने आपका क्या है इसमें सब्जेक्ट है, तो डिड यू इंतजार की इंग्लिश वेट फॉर अस हमारे लिए, अस आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, क्या वो जल्दी उठे, डिड दे उठे, यानी कि वो काफी सारे लोग हैं एक नहीं है, तो इसलिए दे का वर्ड दे जो है वो सब्जेक्ट यूज करेंगे हम, डिड दे गेट अप अर्ली, जल्दी उठना की इंग्लिश क्या होती है गेट अप अर्ली, डिड दे गेट अप अर्ली। नेक्स्ट आपका है, क्या उसने चाय पी, डिड शी, यहाँ पे शी भी रूट डाइट कर सकते हो आप लोग, और ही भी मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे भी उसका वर्ड आ जाए ना तो उसके लिए आप शी राइट करो या ही राइट करो, दोनों ही ठीक होंगे आपके, तो यहाँ पे शी राइट करो, डिड शी टेक टी, चाय पीना के लिए आप जो है वो टेक का वर्ड यूज करते हो, ड्रिंक का वर्ड नहीं यूज करना, ड्रिंक का वर्ड रॉन्ग हो जाना है आपका पीना के लिए, तो चाय पीने के लिए हमेशा आप टेक का वर्ड यूज करोगे, तो डिड शी टेक टी। नेक्स्ट वन है आपका, क्या उसने सच बोला, डिड ही, यहाँ पे भी क्या उसने, उसने तो यहाँ पे भी आप ही या शी कोई भी राइट कर सकते कुछ भी,
तो यहाँ पे डिड ही टेल दी ट्रुथ, सच बोलना की इंग्लिश क्या होती है, टेल दी ट्रुथ, ही आपका सब्जेक्ट हो गया और डिड आपका हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपके पास इंडेफिनेट के आपके इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट आपके हैं फ्यूचर इंडेफिनेट के। फ्यूचर इंडेफिनेट में भी आपको बताया था कि इसके कौन से हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। विल किसके साथ लगेगा, शैल किसके साथ लगेगा, ये आपको उसके सिंपल सेंटेंसेस में भी और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों में बता चुके हैं। अगेन बता देती हूँ कि विल जो शैल जो है ना वो आई और वी से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे ना उसके साथ आप शैल लगाओगे, बाकी सबके साथ आपने जो है वो विल लगाना है, चाहे वो सिंगल हो प्लूरल हो जो भी हो आप उसके साथ विल लगाओगे सिवाय आई और वी के। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका क्या फूल मौसम बहार में खिलेंगे, तो यहाँ पे फूल खिलेंगे यानी कि खिलेगा, अगर खिलेगा तो एक फूल होता है, अगर खिलेंगे काफी सारे फूल है तो इसके साथ आप विल लगाओगे, विल फ्लावर्स, खिलना की इंग्लिश होती है ब्लूसम, विल फ्लावर्स ब्लूसम, और मौसम बहार की क्या इंग्लिश होती है स्प्रिंग, मौसम बहार, बहार के सीजन को क्या कहते हैं स्प्रिंग सीजन, तो इन दी स्प्रिंग मौसम बहार में फूल खिलेंगे, क्या मौसम बहार में फूल खिलेंगे। नेक्स्ट आपके क्या तुम डॉक्टर को बुलवा भेजोगे, डिड यू, क्या तुम डिड यू सेंड फॉर दी डॉक्टर। अब यहाँ पे सेंड का वर्ड इसलिए क्योंकि उसने एक पर्सन को कहा है कि तुम जाओ और डॉक्टर को ना बुलवा के भेजो, यानी कि वो पर्सन जाएगा और डॉक्टर को बताएगा और उसे वापस घर भेजेगा। भेजना की इंग्लिश क्या होती है सेंड, क्योंकि हमें अक्सर कहा तो उसकी सेंस को समझने की सेंटेंस, एक सेंटेंस जो है ना उसकी सेंस क्या है आप उसको समझोगे, क्या तुम डॉक्टर को बुलवा भेजोगे, डिड यू सेंड फॉर दी डॉक्टर। नेक्स्ट है आपके क्या आज बारिश होगी, विल इट रेन टूडे। तो मैंने आपको पहले कहा था रेन का वर्ड यहाँ भी आ जाए उसके लिए आप जो है वो इट का वर्ड यूज करोगे, विल इट रेन टूडे, आज की इंग्लिश होती है टूडे। नेक्स्ट फोर्थ वाला है क्या मैं पैदल स्कूल जाऊंगा, विल आई गो टू स्कूल ऑन फुट, क्या तुम सच बोलोगे, विल यू स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पे स्पीक भी आप राइट कर सकते हो, टेल भी राइट कर सकते हो, दोनों ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास इंडेफिनेट में टेल द ट्रुथ और स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ राइट करो या टेल द ट्रुथ राइट करो, सेम ही वर्ड है, एक ही चीज है, तो दोनों में से जो भी राइट करोगे वो आपका ठीक होगा, लेकिन उसकी फॉर्म को देखने की जरूरत है, फॉर्म आपने फर्स्ट ही यूज करनी है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं यूज करनी। तो ये आपके प्रेजेंट पास्ट और इंडेफिनेट सेंटेंसेस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना वो आज आपको करवा दिए मैंने। इस तरह आपका जो इंडेफिनेट का जो टेंस है ना वो आपके तीनों, ये समझ लो कि आपके तीन टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। इन तीनों इसके टेंस के आपको पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस आपको करवा चुकी हूँ मैं, फाइव फाइव जितने भी सेंटेंसेस थे। तो ये आपके इनडेफिनेट का जो टेंस है ना वो आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब आगे नेक्स्ट जो आपका टेंस होगा ना वो आपको करवाऊंगी कॉन्टिन्यूस में। इनडेफिनेट टेंस की आपको उर्दू में पहचान जो है ना वो लाजमी पता होनी चाहिए, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। इसकी पहचान पता होगी, आप जब सेंटेंस को पहचान लोगे उसके बाद इसके बनाने का जो मेथड है ना वो आपको पता होना चाहिए कि इसके बनाने का मेथड क्या था, उसके बाद फिर उसको आपको इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना जो है ना वो बहुत इजी हो जा रहा है। जब आप सेंटेंस को पहचान लोगे ना तो उसके बाद बनाने का मेथड अगर आपको याद होगा ना तो आप सेंटेंस जो है वो इजीली ट्रांसलेट कर सकोगे। तो इंडेफिनेट के सेंटेंस खत्म हो गए आपके। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको जो है ना वो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के जो कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेज है ना वो आपको करवाऊंगी, इन तीनों टेंस के, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। तो नेक्स्ट हम कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको ये सेंटेंसेज जो है ना वो समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।